वेलकम फ्रेंड्स, अब हम लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक के बारे में सारा समझ लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, तीन मेथड हमने उसमें पढ़े। उसके बाद सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा। अब हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनमें हमें चेक करना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको करना है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं इनमें से। जैसे फोर्थ पार्ट है इसका, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले x की मल्टीप्लाई 2x में 2x स्क्वायर, x की 1 में प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू x एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबको वन साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6x दिस इज माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस है, इधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस 5x इज इक्वल टू 0। यहां पर हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिस इज प्लस 1x स्क्वायर क्योंकि प्लस के ज्यादा है। माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं यहां पर ये जो इक्वेशन आई है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। मैंने आपको बताया था वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री होती है, और अगर डिग्री 2 होती है किसी इक्वेशन की तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहले इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x is equal to 1 be the root of this equation, this quadratic equation. Also find the other. हमें क्या करना है, हमें इस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन में आ रहा है unknown. और इट्स गिवन दैट x is equal to 1 be the root. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में जो इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि 2 डिग्री की होती है इसलिए इसके 2 रूट्स होते हैं। यहां पर एक रूट हमें दिया हुआ है दैट इज 1। अब जब ये रूट इस इक्वेशन का रूट है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस x इज इक्वल टू 1 बी द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस रूट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाइंग ये एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, जहां पर एक्स है वहां पर हम रिप्लेस करेंगे 1। तो हम देखते हैं दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज 1 प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0, के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस 4। तो k का वैल्यू यहां पर हमने निकाल चुके हैं, k इज इक्वल टू माइनस 4। हम क्या करते हैं, k का वैल्यू यहां पर रिप्लेस करते हैं जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें। तो x स्क्वायर एज इट इज प्लस k रिप्लेस करेंगे माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर अब यह आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें दूसरा सेकेंड रूट हमें फाइंड आउट कर
क्या करते हैं, इसकी थ्री मैथड मैंने आपको बताया। हम निकाल चुके हैं माइनस फोर, तो यहां पर इसको इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह रिप्लेस कर देंगे माइनस फोर, माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर अब ये आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके रूट्स निकालने के लिए एक रूट तो हमें पता ही है, गिवन था x इज इक्वल टू वन, सेकेंड रूट हमें निकालना है। रूट्स निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना रूट्स निकालना एक ही बात, जो रूट्स आएंगे वही उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसके तीन मेथड आपको मैंने बताया, फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर से जो थर्ड बताया था फॉर्मूलेस बाय फॉर्म। तो यहां पर आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड होता है फैक्टराइजेशन, यहां पर जो नंबर है थ्री, थ्री को इस तरह से फैक्टराइज करना इनको टू पार्ट्स के, उसका अगर प्लस है तो यहां पर सम इतना आना चाहिए और माइनस है तो उनका डिफरेंस इतना आना चाहिए। तो यहां पर ये प्लस है तो थ्री के ऐसे टू फैक्टर्स हमें ढूंढे हैं जिनका सम फोर हो, तो थ्री इंटू वन दिस इज थ्री और थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर। तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फोर को थ्री प्लस वन की फॉर्म में, इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ये थ्री प्लस वन दिस इज फोर एक्स, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां पर ये पेयर वाइज हम कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री, वन कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री यहां से दोनों पार्ट्स में से कॉमन, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता दो पार्ट का प्रोडक्ट जीरो जब होगा, जब उनमें से एनी वन ऑफ देम जीरो, इफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज थ्री, इफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। ये ऑलरेडी गिवन था और ये अब हम फाइंड आउट कर लिया है, एक्स इज इक्वल टू थ्री, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री बी द सेकेंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को बेटे मैं तीनों विधि से, जो आपको तीन मेथड मैंने बताए हैं, तीनों मेथड से कर रहा हूं ताकि वो तीनों ही माइंड में रिवाइव हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस फॉर्म में बदलना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते सिंप्लीफाई, तो टू थ्री जा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट मेथड आपका है फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर्स, बाय फैक्टर्स से इसको करते हैं। तो अगर यहां पर कोई नंबर नहीं है तब तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, और यहां पर अगर कोई नंबर है तो सबसे पहले हम जो आउटर में नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स इंटू थ्री इज इक्वल टू एटीन। अब एटीन को इस तरह से टू पार्ट्स में फैक्टराइज करेंगे, माइनस है तो उनका डिफरेंस सेवन होना चाहिए। तो हम देखते हैं एटीन के फैक्टर, नाइन टू जो एटीन और नाइन माइनस टू सेवन। तो हम देखते हैं इसको, सिक्स एक्स स्क्वायर सेवन को एक्सप्रेस कर देते हैं, नाइन माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। पेयर वाइज यहां से कॉमन लेंगे, थ्री एक्स टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन
2x माइनस थ्री दोनों में से यहां से कॉमन आ जाएगा, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर एक बार इसको 0, एक बार इसको इक्वल 0, तो यहां पर x का वैल्यू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1/3। तो आप देख रहे हैं ये x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3 ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको हम सेकंड मेथड कौन सा था, बाय परफेक्ट स्फीयर। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम देखते हैं सिक्स, हमें क्या लाना है, एक्स वाले जो टर्म्स है वो वन साइड रखो और बाकी दूसरी साइड। तो 6x² - 7x = 3। अब यहां पर जो स्क्वायर वाला कोफिशियंट है दैट शुड बी 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है 6। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को ऑन डिवाइडिंग बाय 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर ये x² - 7/6x = 3/6 इसको हम 1/2। अब देखते हैं यहां पर जब ये इसका कोफिशिएंट स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में इजीली बदल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, जो सिंगल डिग्री वाला, जो सिंगल पावर वाला कोफिशिएंट है उसको लिखिए, उसका हाफ कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए। ये जो टर्म आएगा इसको आप देखते हैं 7/12 स्क्वायर, तो दिस इज 49/144। इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं दोनों साइड, तो प्लस 49/144 1/2 + 49/144। तो यहां पर हम देखते हैं ये वाला जो टर्म है x² इसको हम लिखते हैं 7/12 स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई का ट्वाइस अगर ये टर्म आ जाता है सके तो समझ लेना कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो हम देखते हैं जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 6 = 7/6 तो इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं 145 और ये आ जाएगा 72, दिस इज 49। इसको हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला होता है a - b² = a² - 2ab + b². अगर हम इसकी और इसकी कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं a x है एंड b है 7/12। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे a - b² = x - 7/12 स्क्वायर। इसको यहां से अगर स्क्वायर हम हटाएं तो प्लस माइनस इधर यहां पर रूट हो जाएगा, तो x - 7/12 + -11/12। तो यहां पर दो केस हमारे अराइज होंगे, एक टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन यहां पर लेंगे तो x - 7/12 = 11/12, देयरफॉर x = 11/12 + 7/12, दिस इज 18/12। तो x = 3/2 बी द फर्स्ट रूट ऑफ, टेकिंग नेगेटिव साइन सेकेंड केस यहां पर, तो यहां पर -11/12 लेंगे तो x = -11/12 + 7/12, इधर ट्रांसफर करेंगे तो
तो यहां पर आ जाएगा माइनस फोर अपॉन ट्वेल्व, तो दिस इज फोर थ्री जा ट्वेल्व, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, इज द सेकेंड रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड मेथड आपका आता है बाय फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू। तो सबसे पहले हम एबीसी का वैल्यू हमें यहां पर चाहिए, तो इस जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर करो, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। तो हम देख रहे हैं जहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, यहां पर ए है, यहां पर सिक्स है, तो ए इज सिक्स, जहां पर एक्स का कोफिशियंट है बी, यहां पर है माइनस सेवन, तो बी इज माइनस सेवन, एंड जो कॉन्स्टेंट तक है दैट इज माइनस थ्री, तो सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। ऑन रिप्लेसिंग द ऑल द एबीसी वैल्यूज हियर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, दिस इज माइनस माइनस प्लस सेवन प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज माइनस सेवन स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी आपका माइनस थ्री अपॉन टू ए, ए इज सिक्स। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इज 49, ये माइनस माइनस प्लस एंड 24 थ्री जो 72 एंड दिस इज 12। एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस माइनस 121 आफ्टर एडिंग, तो यहां पर हम देखते हैं 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 12, यहां पर भी हम देखते हैं दो केस अराइज होते हैं। केस फर्स्ट होता है टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहां पर पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 11 अपॉन 12, दिस इज 18 अपॉन 12, तो दिस इज 3 बाई 2 का फर्स्ट रूट, एंड टेकिंग नेगेटिव साइन यहां पर लेंगे 7 माइनस 11 अपॉन 12, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 3। तो हम देखते हैं तीनों मेथड में हमारा जो रिजल्ट निकल के आया वो एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, दीज आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तीनों मेथड हमने सॉल्व किए, तीनों मेथड से अप्लाई किया, तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा तीनों मेथड से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे आगे का पार्ट लेकर के फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।